भारत में करोड़ों वर्षों से मनुष्य, प्राणी और कुदरत का एक दूसरे से शांतिपूर्ण समन्वय रहा है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव था, स्पेसिफिक तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। फिर भी अलग ट्रैक पे जाना है, कुछ अलग करना, ये एक्चुअली बहुत बचपन से मैं एक्चुअली जानवरों को फीड करता था। इनफैक्ट बचपन से मुझे मेरे माता जी पिताजी ने ये वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा कि किसी को हेल्प कर सकते हो तो करो, वो मैं करता रहता था। मैं इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मैं 7th-8th में था तो माता जी अपने घर में सारी रोटियां बनाती थी, तो मैं ले आके छत पे कौए गिलहरियों को खिला देता था। तो ओवरऑल परेशान हो गए एक दिन, बोले कि 25-30 रोटी तुम करते हो, घर का सारा बर्बाद कर देते हो। मैंने कहा मम्मी एक काम करो, मुझे आप बताओ कि कैसे आप रोटी बनाते हो। तो मैंने रोटी बनाना खुद सीखा और मतलब सुबह सुबह जाके 25-30 रोटी बना के मैं छत पे जाता था और खिलाता था। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है कि ये सेंसिटिविटी शुरू से थी। लगता था कि जानवरों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा ना सोचता है, और जानवर आपके और मेरी तरह सारी चीजें करते हैं। अगर आप उनका मातृत्व देखें, उनका लॉयल्टी देखें, तो सारा चीज सेम है। तो मैं अनफॉर्चुनेटली मैं नॉनवेज भी खाता था, 4 साल पहले मैंने नॉनवेज छोड़ा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन था मेरे दिमाग में कि एक तरफ तो मैं जानवर को प्रेम करता हूँ और मुझे क्रुएल्टी किसी पे नहीं करना पसंद है, और एक मैं नॉनवेज खाता हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता था कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो या टेस्ट का रिक्वायरमेंट हो, लोगों को ये है ये नहीं है। तो दुनिया में बहुत अमेजिंग रिसर्च चल रहा है, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, जेरी सर्जी ब्रिन, गूगल के, इन्होंने मॉकमी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो मैं क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मेरे मित्र हैं दीपक परिहार, मेरी वाइफ है तरन, ये लोगों ने, मेरी सिस्टर श्रुति, इन्होंने बहुत हेल्प किया कि ऐसा कोई प्रोडक्ट पे हम रिसर्च करें कि हम ऐसा लाएं। और इंडिया में अब मैं बताऊं ये पहला प्रोडक्ट है, और रेड मीट में वर्ल्ड का नंबर वन प्रोडक्ट है। हमें इसी के कारण फ्यूचर ऑफ फूड कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में काफ़ी हमें सराहा गया, और हम अकेली कंपनी थी इंडिया का जो प्रतिनिधित्व किया हमने वहाँ पे जी। तो और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में हम जज, हमारी कंपनी जज बनी वहाँ के प्लांट बेस्ड मीट कॉम्पिटिशन में। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिला। ओवरऑल इंडिया को वर्ल्ड मैप पर लाने का एक अच्छा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को वर्ल्ड मैप पर लाने का जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी पूरी टीम वर्क है, जी जी, तो कितने लोगों का सपोर्ट है, और खुद का है या सब मिलके कर रहे हैं? सब खुद का तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये जरूर है कि मेरा रोल डेफिनेटली है, बट मेरी पूरी टीम एंड फैमिली, इन्होंने जैसे मैंने बताया मेरे मित्र दीपक परिहार जी, एक अमेरिकन पार्टनर है स्टेफनी लॉन्स, मेरी पत्नी है तरनु भाटिया, और इन लोगों का, श्रुति सोनाली मेरी सिस्टर है, इन लोगों का हेल्प नहीं होता। और हमारा अराउंड 80-100 लोगों का टीम है जो उदयपुर बेस्ड है, जो इस टेक्नोलॉजी पे कटिंग एज रिसर्च करके ये प्रोडक्ट लाए हैं। और हमने अपना 5% जो प्रॉफिट है मंथली, वो जानवरों को बचा के उनको प्रिजर्व करने का भी हर मंथ हमने स्टार्ट किया है। तो इसी कारण पीटा अभी हमें ट्रेल ब्लेजर अवार्ड दे रहा है दिसंबर में, और जितनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनको ये गिफ्ट हैम्पर गया है। तो अभी श्रद्धा कपूर ने, कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया है ये सब। चलिए तो, बहुत खूब। दर्शकों, जैसा कि जो आपके गेस्ट हैं वो बता रहे हैं कि जानवर को प्यार करना चाहिए, और प्यार ही नहीं बल्कि जो आप कमाते हैं उनके लिए भी कुछ खर्च करना चाहिए, ताकि हम कह सके कि हम मानवता के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो जानवर जो रोड पे, सड़कों किनारे जिन्हें चोट लगी होती है, वो गिरे रहते हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता। बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन छोटी सी पहल की जरूरत होती है। चलिए दर्शकों, यहाँ पे वक्त हो चला है, दो गेस्ट, बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। करण जी, आपके पास हम आते हैं और आपसे जानते हैं कि आपके भी फिल्म जो चल रही है, फिल्म का क्या नाम है और किस तरीके का किरदार और भूमिका निभाया? जैसे कि आपने जॉब से रिजाइन दिया, अब दूसरी चीजें कर रहे हैं, आप जानवरों के लिए आपको बहुत प्यार है, लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए, अवेयर करने के लिए किस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस चीज़ों से जोड़ रहे हैं? एक्चुअली हम लोग का जो मार्केटिंग, हमारे मार्केटिंग पार्टनर हैं RCN करके एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, जो एमवे की तरह इंडिया की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। इनके अराउंड 12 लाख सेल्स एजेंट है अक्रॉस इंडिया। अभी ये इनका एनिवर्सरी मंथ है, तो हर आपके अलग अलग क्षेत्र में हिंदुस्तान के, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, पटना, गुवाहाटी, बैंगलोर, रायपुर, यहाँ पे इनके इवेंट्स, इसमें 10-12 हज़ार इनके एजेंट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट 24 को इनका इवेंट है, जिसके चक्कर में मैं पटना आया हूँ कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो ओवरऑल ये लोग को ये इवेंट्स पे हम बताते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट है www.good.in,
जहाँ पे सारे ये डिटेल्स बताए गए हैं, और ये एजेंट्स को ट्रेन करके अक्रॉस इंडिया ये जा के लोगों को बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। आपको जान के खुशी होगी कि आज 2 महीने में हमने 3 से 3.5 लाख पैकेट ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया भेज दिया। तो ये जो स्कोप है, इंडिया क्योंकि बेसिकली एक वेजिटेरियन कंट्री है, आप मान के चलिए 32% इंडियन पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, जो कि वर्ल्ड में अगर कोई दूसरी कंट्री को देखा जाए तो ताइवान है, इसराइल है, जो 12% 14% है, बाकी सब सिंगल डिजिट्स हैं। तो ओवरऑल जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन इंडिया का है बहुत बड़ा है, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से WHO ने रेड मीट को डिग्री 1 कार्सिनोजन डिक्लेयर किया है। मतलब ये डिग्री 1 में सिर्फ और 2 प्रोडक्ट है, टोबैको और एस्बेस्टस। इसका मतलब है कि 100% अगर कोई रेड मीट खाता है तो कैंसर होता है, आपको बस कुछ दिन तक खाना है। तो ओवरऑल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप एक एथिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा प्रोडक्ट लाए। और इनफैक्ट जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जिन्हें गिफ्ट हैम्पर पीता नहीं मिला, उन्होंने इसको खुद से ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे ट्वीट किया, तो वो लोग भी इसमें हमें मदद कर रहे हैं कि कैसे इसको प्रमोट किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जी जी, फिर हम आते हैं आपके सर्विस को लेकर। जी, UPSC को लेकर। जी, जब भी आपको ऐसा लगा कि नहीं अभी इसमें नहीं काम करना, तो नहीं पता कि क्या होगा आगे या क्या नहीं होगा, मेरा काम एज वाइफ होंगी है कि मैं सपोर्ट करूंगी और तुम्हारा मन इधर है तो आई एम देयर फॉर यू। तो इसने काफी मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मुझे रिलैक्स कर दिया। और इनफैक्ट मम्मी पापा ने भी, क्योंकि इवन दो क्योंकि आप बिहार से जानते ही है कि यहाँ पे सिविल सर्विसेज की कितनी प्रायोरिटी है हर जगह। हाँ, मतलब यहाँ ज्यादा है और बहुत है। तो ओवरऑल उनको भी जब मैंने कहा तो उन्होंने यही बात कही कि जहां भी जाओ मतलब आप अपना एक आयाम हासिल करो, और दूसरों के लिए अगर आप करोगे तो ये पूरा परिवार इस मामले में खुश होगा, तो मुझे बस सपोर्ट करना है। तो उस एंगल से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हो, मैं थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने सपोर्ट किया। सही बात है, जब तक आपके घर वाले और फैमिली मेंबर्स या आपकी पत्नी या आपके माँ बाप आपको सपोर्ट ना करें तो आप कुछ डिसाइड नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने आहार, हमारे रिवाज, हमारी जीवन शैली और हमारी सोच में बदलाव लाएं। मीट खाना कम करके आप अपने साथ पूरे विश्व की सेहत बेहतर बनाने में सहायक रहेंगे। इस क्रांति से आज ही जुड़ें। गुड हेल्थ, गुड हैबिट, गुड डॉट।